नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। क्या भारत का ब्रह्मोस मिसाइल करने वाला है रूस और उसके सहयोगियों पर हमला? ना बचेगा चीन और ना रहेंगे हूती, क्योंकि भारत ने अब पूरी तरह से अरब सागर में ब्रह्मोस दाग कर तूफान मचाने का फैसला कर लिया है। अगर बीच में रूस आया तो क्या भारत उसके खिलाफ भी ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर देगा? दोस्तों, हूती विद्रोहियों ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे अब साफ हो जाता है कि लाल सागर में कमर्शियल जहाजों पर हमले के पीछे रूस और चीन का हाथ हो सकता है। हूती विद्रोहियों ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यमन, लाल सागर और अरब सागर दोनों में ही अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य बलों की आवाजाही पर सख्ती और बारीकी से नजर रखे हुए हैं। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हूती विद्रोहियों ने सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी देशों को टारगेट करने का प्लान किया है, और आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पश्चिमी देशों के टारगेट पर कौन है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस और चीन मिलकर लगातार पश्चिमी देशों को टारगेट कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि पश्चिमी देश मिलकर रूस और चीन को टारगेट कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों का पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी देना यह साफ करता है कि वो रूस और चीन के पाले में खड़े हैं और उन्हें उधर से समर्थन मिल रहा है। आतंकियों का साथ देने के लिए चीन का तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन क्या रूस भी चाहता है कि भारतीय जहाजों पर हमला जारी रहे? अगर रूस हमारा जिगरी दोस्त है तो फिर वो ईरान और हूती विद्रोहियों को कहकर भारतीय जहाजों पर हमले क्यों नहीं रुकवा रहा? इसी बीच भारत ने हूती विद्रोहियों का सामना करने के लिए तकरीबन 5 डिस्ट्रॉयर जंगी जहाजों को अरब सागर में तैनात कर दिया है। इनमें से ज्यादातर जहाज पर ब्रह्मोस और ब्राक जैसे खूंखार मिसाइल लगे हुए हैं। आइए जरा जान लेते हैं कि भारत ने कौन कौन से ब्रह्मोस मिसाइल वाले डिस्ट्रॉयर हूती विद्रोहियों और उसके समर्थकों के खिलाफ तैनात किया है। अगर वास्तव में हूती विद्रोहियों के समर्थन में रूस है तो फिर उसे भी ब्रह्मोस मिसाइल का सामना करना ही पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इन सभी डिस्ट्रॉयर जहाजों के बारे में। INS कोची रडार से बच निकलने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें अत्याधुनिक हथियार लगे हैं। ये लीडिंग सुपरसोनिक और ग्राउंड टू ग्राउंड तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। INS कोलकाता बेहद ताकतवर माना जाता है। ये लंबी दूरी तक भूमि से भूमि तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। INS मोर्मुगाव विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज का दूसरा जहाज है। मोर्मुगाव 7400 टन का जंगी जहाज है और बेहद घातक है। INS चेन्नई में 6 तरह के आधुनिक सेंसर्स लगे हैं, 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय सिस्टम से लैस, 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। ये बेहद घातक है। वहीं INS विशाखापट्टनम बेहद ताकतवर है। इसमें एंटी वॉरफेयर के तौर पर 32 ब्राक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल लगी हुई है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइल से रूस पर या फिर उसके संगठन में नजर आने वाले हूती विद्रोहियों पर हमला करेगा? अगर ऐसा होता है तो फिर भारत और रूस के बीच भी तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करते हैं। ऐसे में भारत कभी नहीं चाहेगा कि वो इस मिसाइल से अपने ही मित्र रूस या उसके सहयोगियों पर हमला कर दे। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इसराइल हमास युद्ध के बाद से ही यमन के हूती विद्रोहियों ने घोषणा की थी कि वो इसराइल से जुड़े जहाजों पर हमला करेंगे। इस जंग की आग में भारत भी फंसता नजर आ रहा है, और अब हूती विद्रोहियों के द्वारा दिए गए पश्चिमी विरोधी बयान के कारण भारत की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। हाल ही में एक बयान में हूती विद्रोहियों ने एक जहाज पर हमले की बात कही। इस जहाज की पहचान MSC यूनाइटेड के रूप में हुई। बयान में कहा गया कि जहाज को निशाना तब बनाया गया जब चालक दल ने तीसरी बार नौसेना की कॉल को नजरअंदाज किया, साथ ही बार बार उग्र चेतावनी वाले संदेश दिए। हूती विद्रोहियों के इस बयान से साफ हो जाता है कि वो अमेरिका समेत 20 देश वाले गठबंधन से भी नहीं डर रहे। इसका मतलब साफ है कि हूती विद्रोही इस लड़ाई में अकेले नहीं है, बल्कि उनके पीछे चीन, ईरान और रूस जैसी महाशक्तियों का हाथ है। वहीं लाल सागर में दुनिया भर के व्यापारिक जहाजों के लिए आज यमन के हूती विद्रोही खतरा बन चुके हैं। भारत इनसे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि वो पाताल में ढूंढ कर भी भारतीय जहाजों पर हमले करने वालों को निकाल लेंगे, और अब उनके बयान अरब सागर में टेम्परेचर बढ़ा चुके हैं। हूती विद्रोहियों ने इसराइल के जहाजों को अरब सागर और लाल सागर में सुरक्षा देने वाले देशों को चेतावनी दी। हालांकि हूती विद्रोही अब तक भारत के खिलाफ खुलेआम टिप्पणी करने से बचते नजर आए हैं। उन्होंने हाल ही में यह साफ कर दिया कि भारतीय जहाजों पर हूती विद्रोहियों के द्वारा ड्रोन हमले नहीं किए गए, बल्कि वो हमले अमेरिका की तरफ से किए गए थे।
हाल ही में हूती विद्रोहियों की ओर से एमवी साई बाबा जहाज पर हमला किया गया था। अमेरिका की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह भारत से जुड़ा है, इस पर भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। इससे पहले भी भारत आ रहे एक जहाज पर अरब सागर में ड्रोन से हमला हुआ था। ये जहाज भारतीय तट से लगभग 370 किलोमीटर दूर था। अमेरिका ने आरोप लगाया कि हमला ईरान की ओर से हुआ था, हालांकि ईरान ने इससे साफ इनकार कर दिया। इस हमले के बाद भारत ने नौसेना को अरब सागर में तैनात किया है। एमवी साई बाबा पर हमले को भारत ने बेहद गंभीरता से लिया। मर्चेंट नेवी जहाजों पर हालिया हमलों के बाद भारत ने समुद्र में गश्त बढ़ा दी है। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि हमारे पास समुद्री लुटेरे यानी कि पायरेट्स और ड्रोन हमले का मुकाबला करने के लिए 15 अल्फा और ब्रावो कैटेगरी के 4 विध्वंसक तैनात हैं। इनमें P-8I विमान, डोर्नियर्स, सी गार्जियन हेलीकॉप्टर और तटरक्षक जहाज भी शामिल हैं। अगर भारतीय जहाजों पर हमले के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ या मंशा है तो फिर उन्हें भी बेहद सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भारत के पास बेहद खूंखार नौसेना है। भारतीय नौसेना की ताकत का दायरा बढ़ता रहा है। सेना के बेड़े में 300 से ज्यादा जहाज हैं, 139 पहरा देने वाले जहाज शामिल हैं, 10 से अधिक विध्वंसक पोत और 15 अटैक सबमरीन हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 4 फ्लीट टैंकर भी सेना की ताकत बने हुए हैं। नौसेना के पास लड़ाकू विमान ले जाने वाले युद्धपोतों की लंबी श्रृंखला है। INS विक्रमादित्य जैसे नाम शामिल हैं। समुद्र में नजर रखने और दुश्मन को जवाब देने वाली स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी, INS करंज, INS खंडेरी, INS अरिहंत, INS कलवरी, INS चक्र 2 और INS सिंधु घोष भारतीय नौसेना की ताकत है। देश की नौसेना समुद्र की सतह से ही नहीं, पानी के अंदर से भी मिसाइल दागकर दुश्मनों को तबाह कर सकती है। इसकी ताकत का एक उदाहरण INS अरिहंत परमाणु पनडुब्बी में देखने को मिलता है, जो समुद्र के नीचे से परमाणु मिसाइल को दागने में सक्षम है। वहीं INS चक्र 2 की गिनती भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकतवर पनडुब्बियों में की जाती है। परमाणु हथियार ले जाने वाली धनुष मिसाइल सतह और शिप से दुश्मन पर हमला कर सकती है। नौसेना ने खास तौर पर इसे तैयार कराया है। भारतीय नौसेना के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल है, जो पानी के नीचे से हमला कर दुश्मनों को तबाह कर सकती है। लाल सागर में अपनी रक्षा के लिए भारत किसी भी हद को पार करने को तैयार है, क्योंकि अगर लाल सागर में भारत झुक गया तो यहां भी चीन का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। लाल सागर दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक मार्ग है। इसके जरिए जहाज स्वेज नहर के रास्ते यूरोप तक जाते हैं, लेकिन इसराइल और हमास के युद्ध की शुरुआत से दुनिया के प्रमुख ट्रेडिंग रूट पर खतरा मंडरा रहा है। हूतियों ने हमास के समर्थन की घोषणा की। हूती विद्रोही इसराइल पर मिसाइल भी दाग चुके हैं। इसके अलावा इजरायली अरबपति से जुड़े एक जहाज को हाईजैक भी किया जा चुका है। इन हमलों को देखते हुए अमेरिका ने अपने युद्धपोत लाल सागर में तैनात कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय क्या रखते हैं नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।